बकरा ही दे दो, पहले बकरे से शुरू करते हैं। भैया बंदे ने पूरा बकरा रोस्ट करके रख दिया है, टेढ़ा रखा हुआ बकरा। रंग बिरंगी जमैका की ड्रिंक्स आ गई हैं, बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि बायकॉट चल रहा है लिहाजा हमें ये करना बहुत जरूरी था। भाई भाई एक बॉय था वो तो सही है, ये तो बता दो ये बकरा जो है ये आंडू है या खस्सी है? ये देखो भाई हमारे जो है ना अंकल ने लगाया है फालसे का दरख्त। यहाँ फालसे नहीं मिलते हैं और फ्रोजन आते हैं इंडिया से, इन्होंने लगाया हुआ है और फालसे जो है ना वो आना भी शुरू हो गए हैं। कुछ ग्रीन ग्रीन है और कुछ जो है ना वो पक गए। मैंने अभी एक तोड़ के इन्होंने मुझे दिया है, मैंने खाया है। ब्रूटर अभी हम ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही लजीज बहुत ही मज़ेदार फ्रेश फालसा आउट क्लास। ये मैंगो आना शुरू, ये देखो भाई रेडी हो गए जबरदस्त माशाल्लाह। दरख्त ये तो पूरा पपीते के साइज का लग रहा है मुझे। अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले भाई तमाम लोगों को ईद उल अज़हा और ईद बहुत बहुत मुबारक हो। अमेरिका से और दुनिया भर से जहाँ से भी लोग मुझको वॉच कर रहे हैं उन सबको ईद उल अज़हा बहुत बहुत मुबारक हो। भाई मेरे समझ में बिल्कुल भी नहीं आ रहा था कि आज का व्लॉग में क्या आपके लिए जो है ना रिप्रेजेंट करूं, क्या ऐसा करूं। मैं खुद बड़ा उदास हूं तो मैं आप लोग को क्या दिखाऊं और क्या बताऊं। और अभी इस वक्त आप देख सकते हैं जैसे कि तकरीबन शाम के 7 बजने को आ रहे हैं और अमेरिका में लाइफ बिल्कुल वैसी ही चल रही है जैसे सबकी चल रही थी। ज़ाहिर है मुसलमानों की ईद है भाई, इन लोगों से क्या लेना देना। लेकिन अमेरिका के अंदर जो बात है ना, अगर मैं आपसे ये कहूँ तो अजीब नहीं लगेगा कि दूर के ढोल सुहाने जो एग्ज़ाम्पल दी जाती है, जो मुहावरा दिया जाता है वो बिल्कुल करेक्ट है। वो इस सेंस में कि ईद जो है ना इस दफ़ा की तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना बेरुखी सी और बहुत ही सुस्ती सुस्ती वाली और निकली है। कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कोई जो है ना कुछ भी नहीं है। इस साल तो और भी ज़्यादा भंड हुआ कि अमेरिका के अंदर ज़्यादातर लोगों ने जो है ना वो एक दिन पहले ही सऊदी अरब के साथ जो है ना ईद मना ली। तो मतलब आप इस सेंस में कह सकता हूँ कि जिन लोगों के पास इल्म नहीं है ना, दीनी इल्म नहीं है या उलमा कराम से काफ़ी दूर हैं, उनको इससे कोई सरोकार नहीं है कि अमेरिका में अगर ईद हो रही है तो अमेरिका में चांद देखेगा तब भी होगी, चाहे वो रमज़ान की ईद हो या बकरा ईद हो, ईद उल अज़हा हो। इसीलिए जो है ना बहुत सारे लोग जो है ना पेशावर में जैसे होता है पाकिस्तान के अंदर, ये भाई हमारा चांद दिख गया है अभी आप लोग कुछ भी कहो, हम लोग तो जो है ना वो सऊदी अरब के साथ ईद करेगा। वही वाला हाल इधर भी है कि मतलब भाई कहाँ सऊदी अरब और कहाँ अमेरिका। यहाँ से उलमा कराम बैठ के जो है ना सेंट्रल अमेरिका ह्यूस्टन से और टेक्सास से, ह्यूस्टन से नहीं, शिकागो हिलाल कमेटी है, सेंट्रल अमेरिका की हिलाल कमेटी है, फ्लोरिडा के अंदर ISF एक मस्जिद है इधर हमारे इधर ही वेस्टर्न साइड पे, तो उधर की मस्जिद से मुफ्तियाने कराम बैठते हैं, बाकायदा चांद देखते हैं, सब कुछ होता है। लेकिन मोस्टली लोगों ने जो है ना वो उस चीज़ को अब बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया है। आज बहुत ही मुख्तसर सी जो है ना वो क्वान्टिटी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पूरी जमात हुई, सब कुछ हुआ और बहुत सारी मस्जिद में जहाँ पर उलमा कराम हैं वहाँ पर ईद मनाई गई। अब ईद की नमाज़ हमने पढ़ी है, नमाज़ पढ़ के हम घर आ गए, ना कोई जानवर कटता है ना कुछ, क्योंकि भाई यहाँ पे मसला यही है कि बहुत सारे लोग जो है ना वो कहते हैं कि लीगल तरीके से जो है ना हो नहीं रहा है काम। कुछ रिपोर्ट्स मुझे मिली थी कि भाई लीगल तरीके से ही हो रहा है, सारी चीज़ें होती हैं, वर्क परमिट है, सारी चीज़ें, लेकिन ये कि आपको वो मना करते हैं वीडियोज़ वगैरह बनाने के लिए। तो हम खैर जाएँ और है भी बहुत दूर दूर, तो इसलिए मेरा इरादा था नहीं कि मैं इतनी दूर जाऊँ और फिर वो देखने भी दें सही सही या नहीं कि आपका जानवर तो है नहीं, आप क्यों आ गए, ये वो क्राउड ना लगाएं या जो भी। तो इसलिए जो है ना मैंने सोचा नहीं कि मैं जाऊं आप लोगों के लिए और जाके जो है ना दिखाऊं, आप लोगों का भी टाइम वेस्ट हो, मेरा भी टाइम वेस्ट हो, तो इसलिए मैंने जो है ना वो घर पे ही रहना मुनासिब समझा। बस अब घर पे रह रहे हैं भाई, बैठ रहे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं क्योंकि शाम में दावत है, तो वहाँ जाएँगे इन लॉस के यहाँ, वहाँ पर बस खा लेंगे और ईद हमारी हो जाएगी। बच्चे भी उठे, तैयार हुए, थोड़ा बहुत तस्वीरें वगैरह खींची और बस बकरीद ख़त्म। मतलब सबसे बेकार और सबसे सुस्ती वाली और कोई एक्साइटमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है ईद उल अज़हा। तो बारबेक्यू वगैरह कर लेंगे भाई रात में, आज तो दावत है, बीच में किसी दिन बाहर से खुद ही गोश्त खरीद के ला के कर लेंगे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम जब यहाँ से नमाज़ पढ़ के आए थे, कुर्बानी हो गई है हमारी, हमने पाकिस्तान में करवाई थी क्योंकि यहाँ पे थोड़े मसले मसाले डिफरेंट होते हैं। और जो है ऊँट जो है वो हमारा इंशाल्लाह ताला जो है वो तीसरे दिन होगा, लेकिन वो मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाऊँगा क्योंकि थोड़े से कॉपीराइट्स के भी मसाइल चल रहे थे, उनको मैंने बड़ी मुश्किल से सॉल्व किया है। और जो है ना फिर ये खून ख़राब अगर दिखाओ तो YouTube जो है ना वो कहता है कि आप गलत गलत चीज़ें दिखा रहे हैं, ये चीज़ नहीं होना चाहिए, ये पॉलिसी के ख़िलाफ़ है। तो इसीलिए जो है वो आपको कुर्बानी भी हम नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी चलते हैं दावत में और लेट्स सी, देखते हैं कि दावत वगैरह में आखिर पका क्या है। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम सैंडी बॉय, मुबारक, वेलकम। कैसे भाई?
हेलो भाई, अब जल्दी से आ जाए हैं हम लोग इधर, शोर शराबा होगा, बच्चों से मिलवाते हैं हम लोगों को। आ गई जैनब, इधर से इधर से इधर से। देखो भाई माशाल्लाह जैनब आ गई है। अस्सलाम वालेकुम जैनब। ओहो वालेकुम अस्सलाम, ड्रेस तो दिखा दे जरा। और भाई सुभान मियां भी आ गए हैं। ईद मुबारक हो रही है भाई, ईद मुबारक हो गई, जबरदस्त सुभान। अच्छा अभी इधर ऑडियंस को तो बोल दो ईद मुबारक। ईद मुबारक, जबरदस्त बाय हो गया। लंदन का बच्चा आ गया है अरमान मियां, अभी बोलेगा अरमान ईद मुबारक। कैसे बोलते हैं ईद मुबारक कैसे बोलते हैं भाई? शर्मा रहा है अभी, ये लंदन का बच्चा, लंदन का गाल देखो इसके गाल, ये सुभान का टॉय भी देख लो भाई। सुभान कह रहा है, सुभान को मिली है ये स्पाइडरमैन की कार। ओए होए भाई, हमने दिखा दिया भाई, इनको गिफ्ट भी मिल गए बकरीद के अंदर। वैसे ईदी वीदी गिफ्ट विफ्ट का होता नहीं है, लेकिन हमारी वाइफ को जो है ना वो देना था, तो उन्होंने दे दिया है भाई। आ गया जावर मियां, आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, पहले क्यों नहीं आ रहे थे भाई? माशाल्लाह बोल देना सबने जल्दी से जावियर मियां को देखने के बाद। जावियर ईद मुबारक। ये देखो भाई बैकयार्ड में लगा दिया है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए वीआईपी सेटअप लगना शुरू हो रहा है। बच्चे रेडी हैं खाने के लिए, और बस मगरिब होने वाली है, उसके बाद फिर होगा सीन। ड्रिंक ड्रिंक। जरा जहरा किधर है? जहरा नहीं पता, बाहर है। ये देखो भाई हमारे जो है ना अंकल ने लगाया है फालसे का दरख्त। यहाँ फालसे नहीं मिलते हैं, और फ्रोजन आते हैं इंडिया से, इन्होंने लगाया हुआ है, और फालसे जो है ना वो आना भी शुरू हो गए हैं। कुछ ग्रीन ग्रीन है और कुछ जो है ना वो पक गए। मैंने अभी एक तोड़ के इन्होंने मुझे दिया है, मैंने खाया है। ब्रूटरा भी हम ट्राई कर रहे हैं, बहुत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार फ्रेश फालसा, आउट क्लास। मैंगो का भी ट्री बहुत ही घना और बहुत ही बड़ा, इसमें कम से कम भी 1000 से ज़्यादा जो है ना मैंगोज थे, और ये मैंगोज आना शुरू। ये देखो भाई रेडी हो गए ज़बरदस्त माशाल्लाह। दरक के पके में, जड़ के पके में कहते हैं ना उसको, ज़बरदस्त। ये एक और आ गया, कितना ह्यूज साइज है यार, ये तो पूरा पपीते के साइज का लग रहा है मुझे। अभी हमारे कुछ तो रबी रहते हैं, मतलब फॉरेन रेडी नहीं हो, जो आपने भिजवाए थे ना वो रहते हैं। एक एक किलो का एक आम लग रहा है, ये तो बहुत जबरदस्त। ये जामुन का है ना, यहाँ ये जामुन का, खैर अभी ये टाइम लगेगा, ये साल में आ जाते हैं, जबरदस्त। ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं, नीम का और तुम्हारा चीकू का, ये देर से बढ़ते, ये देर से बढ़ते हैं। ये वाला अनार का है, ये अनार है, अच्छा सही। और ये लेमन है, ये लेमन लगा हुआ है, हाँ पीला वाला लेमन, येलो लेमन से, यहाँ लाइम भी तो होता है ना यहाँ पे। ये कीनू है, ये कीनू के, हाँ इसके पत्ते, अच्छा लेमन जैसे ही पत्ते हैं इसके भी, सही सही। अभी रेडी नहीं हुआ। सुबह खजूर का भी लगा दिया है, और कितना घना हो चुका है, इसको टाइम लगेगा। और ये भी पाकिस्तान का शरीफा जो होता है वो है ये। ये कड़ी पत्ता भी चल रहा है भाई, जबरदस्त फ्रेश फ्रेश कड़ी पत्ता। ये चल रहा है भाई, एक शहतूत लगाया है, अभी है नहीं दिखाने के लिए, लेकिन अच्छा ये वाला शहतूत का ही था ये भी, लेकिन ये शहतूत लगे हुए थे, ये बड़ा फ्रेश चल रहा है, इसका तना भी बड़ा मजबूत है। देखो चौको खा गए तुमने सारा अपना, हो चौको खा लिए भाई, चौको खा लिए इन लोगों ने, आपने भी खा लिए, सही है भाई, सारे बच्चे चौको खा लिए। चलो भाई मगरिब हो गई, नमाज पढ़ के आएंगे। यहाँ से दारुलूम जो है ना बहुत ही करीब है, अभी आ रहे हैं, फिर मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। आईपी सेटअप, ये भैया जबरदस्त भाई, नाम क्या है इनके? नाम सॉरी बकरा ही दे दो, पहले बकरे से शुरू करते हैं। भैया बंदे ने पूरा बकरा रोस्ट करके रख दिया है, टेढ़ा रखा हुआ बकरा। रंग बिरंगी जमैका की ड्रिंक्स आ गई हैं, बहुत ही जबरदस्त, क्योंकि बायकॉट चल रहा है, लिहाजा हमें ये करना बहुत जरूरी था। आदि भाई एक बॉय था वो तो सही है, ये तो बता दो ये बकरा जो है ये आंडू है या खस्सी है? ये आ गई है भाई चिकन चिकन, और ये है बीफ की बिरयानी, अंदर बीफ निकल रहा है। और पता है इधर क्या सीन है, ये देख रहे हैं आप, ये चल रहा है बीफ का कीमा, और ये आ गई है मछली, इसको हम लेंगे बाद में, पहले लेते हैं जल्दी से चाट, बड़े मजेदार सी, और खाएंगे समोसे। ये देखो भाई बाहर मच्छर काट लिए भाई, इसको गाल पे लाल लाल हो गया है भाई। चाट बड़े मजे की बनी हुई जबरदस्त, उसके बाद थोड़ा रश कम हो जाएगा, फिर बाकी चीजें ट्राई करेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई, भैया प्लेट चेक कराओ सबसे पहले, बकरा ही तो प्लेट चेक करना जरूरी है। क्या क्या ले लिया आपने? मैंने बोला जरा पहले राउंड में थोड़ा हल्का रखें, पहले राउंड में हल्के में ये हाल है भाई, ये हल्का है, सारी राइटिंग खराब हो रही है, ये तो भी हल्का है। चलो चलो बिस्मिल्लाह करो, दूसरे में देखते हैं भाई, बैठ जाओ। या फिर मजे का यमी है, क्या खा रहे हो आप? चिकन खा रहे हो?
मुंह में ऐसे खाते। सही है भाई, चलो भाई जबरदस्त। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। पठान बाबा को हिलना देखो, पठान बाबा को हल्का फुल्का हाथ रखते हुए जो है ना, फिश ले ली है, बकरा ले लिया है और कीमा। पहला निवाला खाली शेयर करेंगे क्योंकि खाते वक्त जो है ना वो बात नहीं करनी चाहिए। सात भाई ने रिक्वेस्ट की कि बकरे का रिव्यू देना है, तो हम फिर बकरे का रिव्यू आपको जल्दी से देते हैं। हाँ 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 हाँ, अभी जो है खाना उतना ही नहीं था कि शीर कोरमा भी आ गया है, बहुत ही ज्यादा नट्स वाला जबरदस्त। ये लगा हुआ फुल बघार लगा हुआ जो है ना शीर कोरमा, लेट्स सी कैसा बना हुआ। गरम चाय चल रही है, ये हीटर लगा हुआ है, थर्मोस लगा हुआ है, मतलब या खुद बनानी पड़ रही है भाई, खुद बनाना पड़ेगी। इधर इस तरह से चाय वाय चीनी वीनी सारा सेटअप है, अब बनाते हैं चाय। ये लो भैया आ गया कावा जबरदस्त सा। ये चला गया हमारा दूध, दूध डाल लो भाई जबरदस्त। उसके बाद चली जाएगी चीनी, उसके बाद चली जाएगी हमारी चीनी। चीनी मैं अंदाजे से डाल लेता हूँ, बस हो ही गई होगी यार, अब तक दो चम्मच हो ही गए होंगे। रेडी के बाद भाई पैकेज खत्म नहीं हुआ, ये आ गई है शार डिलक्स क्लासिक्स, और ये आ रहा है यहाँ पे $5 का एक डब्बा है ये, इसके अंदर 48 पीसेस होते हैं आई थिंक सो। भाई व्लॉग को एंड करेंगे जल्दी से, अल्लाह हाफिज कर दो जाविया, जल्दी से अल्लाह हाफिज कर दो। चले भाई आप लोग भी अपना बहुत ख्याल रखें, उम्मीद करता हूँ आज का ब्लॉग पसंद आया होगा, हमने खूब अच्छे से खाया पिया एंजॉय किया, फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।